रीवा महापौर को किसने दे डाली चुनौती? क्या जनता के दावों पर खड़े उतरेंगे अजय मिश्रा बाबा? रीवा नगर निगम की व्यवस्थाओं को किसने नकारा? विराट 24 की विराट कवरेज में देखिए खास रिपोर्ट। चंद फ्लाईओवर बना देना ये विकास की श्रेणी में नहीं आता। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी 2003 से जनप्रतिनिधि बनने के बाद सतत काम कर रहे हैं और विकास की एक नई इबारत लिखते जा रहे हैं। उसको हमारे यहाँ इंजीनियर है, हम स्वयं उसका निर्माण करेंगे, सस्ती दर पे, रियायत दर पे, आरक्षण के साथ जो मापदंड होता है उसके अनुसार लोगों को दुकानें उपलब्ध कराएंगे। और घोषणा पत्र आप उठा के देख लीजिए, हो सकता है कि उन्होंने उसको नाली में बहा दिया हो। हर व्यक्ति को रोजगार की कोशिश अपनी कि ऐसे जो युवा हैं अगर सस्ती दुकानें मिलेंगी तो रोजगार करेंगे। और नगर निगम में कोई परिवर्तन करने की क्षमता महापौर में नहीं है, न दिख रही है, न उन्होंने करने का प्रयास किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा जीतेगी, ये हम आपको एकदम परफेक्ट बता दें। तो रीवा में राजन शुक्ला जी ने जो दो महत्वपूर्ण सौगातें दी थी, एक तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो ब्रांच रीवा में खुल रहा था और दूसरा इको पार्क जो झिरिया टापू में बनना है, इन दोनों को कांग्रेस पार्टी और इन्हीं नेताओं ने निरस्त कराने का काम किया था। इससे बड़ा अपराध रीवा की जनता के साथ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। एक बार फिर मैं हाजिर हूं एक ऐसी खबर लेकर जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से 20 सालों के विकास पर 3 माह का विकास भारी पड़ रहा है। विकास पुरुष अपनी जमीन खिसकती देखकर नकल करने को मजबूर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रीवा जिले में भाजपा के 8 विधायक और एक सांसद के साथ साथ महापौर भी रह चुके हैं, लेकिन विकास की गंगा बहाने का खोखला वादा और विकास पुरुष का तमगा लेने वाले अब कांग्रेस के नव निर्वाचित महापौर की अकल की नकल उतारने में जुट चुके हैं, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें अब एहसास हो गया है कि रीवाही जनता समझ चुकी है जिले में मुख्य विकास किसका हो रहा है। दरअसल नगर निगम में पहली बार कांग्रेस पार्टी के महापौर अजय मिश्रा बाबा बने तो उन्होंने कई फिजूल खर्चियां बंद कर दी, जनहितैषी कार्य करने शुरू कर दिए। दिखावे के लिए हजारों रुपए खर्च कर भूमि पूजन करने की चली आ रही परंपरा प्रथा को बंद करते हुए महापौर ने नारियल तोड़कर वार्ड पार्षद के हाथों ही भूमि पूजन करवाने की प्रथा शुरू कर दी। तो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जो एक ही कार्य के अलग अलग भागों में अलग अलग लोकार्पण और भूमि पूजन करते आ रहे थे, उन्हें भी एहसास हो गया कि अब रीवा की जनता बहुत दिनों तक बेवकूफ नहीं बनेगी, जिसके चलते अब विधायक राजेंद्र शुक्ला महापौर अजय मिश्रा बाबा की नकल करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा नशा मुक्ति और हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया तो अजय मिश्रा बाबा ने पहल करते हुए अपने तरफ से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम घोषित किया, जिसकी भनक विधायक राजेंद्र शुक्ल को हुई तो आनंद फानंद में कुछ चाटुकार व्यापारियों की मदद से फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। हालांकि उक्त हेलमेट सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को ही वितरित किए गए, लेकिन चर्चा का विषय जरूर यह रहा कि क्या विधायक राजेंद्र शुक्ल अब अजय मिश्रा बाबा को अपना प्रतिद्वंदी मान बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से राजेंद्र शुक्ला के इशारे पर नगर निगम की कठपुतली महापौर क्षेत्र में आए दिन सुलभ शौचालयों से लेकर हर कार्य का भूमि पूजन व उद्घाटन करने की योजना बना करके वर्षों से ये योजना चला रहे थे, उस पर अजय मिश्रा बाबा ने पानी फेर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रिपल पी योजना के तहत जिस तरह से सरकारी जमीनों का बंदरबांट हुआ उस पर भी महापौर अजय मिश्रा बाबा ने रोक लगाकर नियम के अनुसार निर्माण कार्य कराने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, नगर निगम में एकल खिड़की शुरू हो जाने से लोगों को भारी राहत मिली है। अजय मिश्रा बाबा की लगातार चहुं ओर प्रशंसा हो रही है,
जिसके चलते अब विधायक राजन शुक्ला को सीधे प्रतिद्वंदी अजय मिश्रा बाबा दिखाई देने लगे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। उक्त मामले को लेकर हमने भाजपा के वरिष्ठ मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला से बात की तो हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की नकल कर रही है, अब मामला चाहे जो हो लेकिन जिस तरह से नगर निगम चुनाव हारने के बाद भाजपा विधायक राजन शुक्ल गली गली भ्रमण कर रहे हैं, वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं, उससे तो यही लगने लगा है कि राजन शुक्ला को अब रीमा में अपनी जमीन खिसकती दिखाई देने लगी है। पहले आपको सुनाते हैं भाजपा मीडिया प्रभारी योगेंद्र शुक्ला ने क्या प्रतिक्रिया दी है, फिर सुनाएंगे कि महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। राजन शुक्ला जी की सेवा धर्मी राजनीति है, उसकी आज पराकाष्ठा है रीवा में, और घोषणा पत्र आप उठा के देख लीजिए, हो सकता है कि उन्होंने उसको नाली में बहा दिया हो। महापौर एकल खिड़की के नाम पर एक तमाशा उन्होंने किया है। नगर निगम में कोई परिवर्तन करने की क्षमता महापौर में नहीं है, न दिख रही है, न उन्होंने करने का प्रयास किया। विकास देखने के लिए विजन चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल नहीं है। तो रीवा में राजन शुक्ला जी ने जो दो महत्वपूर्ण सौगातें दी थी, एक तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय का जो ब्रांच रीवा में खुल रहा था, और दूसरा इको पार्क जो झिरिया टापू में बनना है, इन दोनों को कांग्रेस पार्टी और इन्हीं नेताओं ने निरस्त कराने का काम किया था। इससे बड़ा अपराध रीवा की जनता के साथ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इको पार्क तो बह गया, पहली बाढ़ में बह गया, नुकसान हुआ, पहले से विरोध कर रहे थे। बहा नहीं था चूंकि उस वर्ष इतनी ज़्यादा बाढ़ आई थी, परंतु उन्होंने निरस्त करा दिया ना। बह गया था तो ठेकेदार का काम था, जो जिसने ठेका लिया था, परंतु इन्होंने उसको निरस्त कराया, ये अपराध किया ना रीवा के लिए। तो सुना आपने, जमीनी हकीकत कुछ भी हो, जनता का फैसला आप नगर निगम चुनाव में देख चुके हैं। चर्चा का विषय बने महापौर अजय मिश्रा बाबा और उनके द्वारा किए गए वादों को लेकर हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने उनसे बात की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला। जिस तरह से शासकीय जमीनों का बंदरबांट हुआ है उस पर रोक लगाई जाएगी और जो भी विकास कार्य करने होंगे नगर निगम स्वयं करेगा। आइए आपको सुनाते हैं महापौर अजय मिश्रा बाबा को, जिन्होंने स्वीपिंग मशीन गायों के नगर निगम परिसर में दफनाने, ग्रीन रीवा से लेकर हुए भ्रष्टाचारों को उजागर करने के चलते महापौर की कुर्सी पर काबिज हुए थे। हमारे इस चैनल हेड के द्वारा अजय मिश्रा बाबा से चर्चा की गई है, जिसे देखकर और सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि अजय मिश्रा बाबा से विधायक राजन शुक्ला क्यों भयभीत हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारे साथ हैं रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी। 3 माह के कार्यकाल में ही अपने चिरपरिचित अंदाज में जिस तरह से लोकप्रिय हुए हैं, उसको देखकर विपक्ष में डर है, और डर इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अभी देखने में मिल रहा है, जो रीवा विधायक राजन शुक्ला हैं, जो बाड़ों में ना निकलते थे, आज बाड़ों में जा रहे हैं। जैसे ही जानकारी होती है, कोई योजना के बारे में चर्चा होती है, करने का प्रयास करते, तो जानना चाहते क्या ये वाकई डर है, किस तरह की अभी आगे बातें आ सकती हैं। देखिए, आपका विराट 24 के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि रीवा के सम्मानित जनता जनार्दन ने बाबा महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से एक विश्वास के साथ मुझे चुना। चुनौतियां बहुत हैं और जनता ने जो चुना है वो काम करने के लिए चुना है, कि हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें, रीवा का समग्र विकास हो, चौमुखी विकास हो। सबसे बड़ा विकास वो कहलाता है कि जो बाढ़ के अंतिम छोर में होता है और वहाँ से विकास जब मेन सड़क में आता है उसे विकास कहते हैं। चंद फ्लाईओवर बना देना ये विकास की श्रेणी में नहीं आता। हम लोग चुनाव के दरमियान भी बाढ़ों में घूमे, बड़ी बुरी स्थिति है। सीवर लाइन का हमने विरोध किया सन 2017 से, जब उसका टेंडर की प्रक्रिया चालू हुई। आज सोचिए, पूरे सीवर लाइन के कारण पूरे बाड़ों की दुर्गति हो गई, सारी रोडें टूट गईं, सारी नालियां टूट गईं। जब हम लोग बोला करते थे कि ये कंपनी के स्पन डिफॉल्टर है, तो यही सत्ता में बैठे हुए महापौर भाजपा के, यही रीवा के विधायक, ये सारे लोग हम लोगों की खिल्लियाँ उड़ाते थे। आज ब्लैक लिस्टेड उसे करना पड़ा और दूसरी कंपनी को टेंडर देना पड़ा, तो आखिर भ्रष्टाचार था तब ना ऐसा हुआ। तो हम लोगों की जो मुहिम थी शुरू से ही, 15 वर्ष हम पार्षद थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो जो मुहिम थी हम लोगों की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक
समग्र विकास को लेकर आंदोलन जो हम लोगों ने चालू किया था, वही हम लोग मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बाड़ों का विकास करना है, मूलभूत समस्या है वहाँ जल निकासी, सड़क, पीने का शुद्ध पानी और बिजली के खंभा और स्ट्रीट लाइट। रीवा के बहुत से बाड़ लगातार विगत 15 वर्षों से विकसित हो रहे हैं, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी, नगर निगम में 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, 124 कॉलोनियाँ अवैध, कैसे डेवलपमेंट होगा? तो रीवा नगर निगम की, चाहे आप ग्रीन रीवा के नाम पर रहो, चाहे के स्पान के रहो, सफाई मशीन के नाम पर रहो, जो भी भ्रष्टाचार होते रहे लगातार आप उठाते रहे, तो उन्हीं मुद्दों को देखकर, उन्हीं बातों को देखकर जनता ने आपको चुना। क्या लगता है कि इस बार अभी अपन पूरी जो बात रहती थी, हमारे जो एजेंडे रहते थे, उसको अब ला पाएंगे जनता के बीच में? अभी उसका भी डर है। देखिए, स्वीपिंग मशीन का मामला था, आपने जनता के सामने उसको रखा, पूरे रीवा के मीडिया ने रखा, हम लोगों ने उठाया, शिपिंग मशीन लौटानी पड़ी। के स्पन का भ्रष्टाचार का मामला था, ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा, उसकी 32 करोड़ रुपए जो परफॉर्मेंस गारंटी है वो जब्त है। अभी तो उसका मैं उसकी भी जांच कराऊंगा कि इनको कितना भुगतान कर दिया गया। अगर भुगतान उनका उतना किया गया जैसे 110 किलोमीटर वो पाइपलाइन डाले हैं, उसका जो बिल है बहुत लंबा है, पर उनको भुगतान ये सुनने में आया कि 30-34 करोड़ रुपए ही किया गया। अगर भुगतान की सीमा कम है तब तो निगम को फायदा है, अगर ऐसा समझ में आता है कि भुगतान अधिक कर दिया गया, मशीनरी कंगेस्ट कर दिया गया, तो उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बातें अब पहुंच रही जनता के पास तक। रीवा नगर निगम मतलब रीवा विधानसभा, रीवा नगर निगम की बात करें तो रीवा विधानसभा है। तो क्या लगता है, जिस तरह से जो विकास हो रहा था, विकास की बातें की जा रही थी सड़क के रूप में, नाली के रूप में, दुनिया भर की, तो इसका भी डर है? जो आपने 3 माह में देखा है, 3 माह में आपका जाकर सीधे बाड़ों तक पहुंचना, लोगों से सीधे जुड़ना, तो उसका भी डर अब भाजपा पर ऐसा कुछ लग रहा है कि अब आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा? देखिए क्या है कि महापौर 45 वार्ड का प्रतिनिधि होता है। मैं तो सारे पार्षद जो हैं मेरे, चाहे वो मेरे कांग्रेस पार्टी के हों या भारतीय जनता पार्टी के हों या निर्दलीय हों, सब मेरे अंग हैं, मैं उन्हीं के माध्यम से काम कराता हूं। यहां संविदाकार से भूमि पूजन और लोकार्पण के समय 25-25, 30-30 हज़ार का टेंट पंडाल फूल माला मिठाई से कराते थे। तो जो संविदाकार भूमि पूजन में 25 हज़ार और लोकार्पण में 25 हज़ार खर्चा करेगा, 50 हज़ार बिलों में काम ले रहा, तो वो तो बदमाशी करेगा। हमने 25 रुपये का एक नारियल, वो भी हमारे सम्मानित पार्षद, चाहे वो किसी दल के हों, वो फोड़ेंगे, उनकी उपस्थिति में भूमि पूजन होगा, उन्हीं की उपस्थिति में लोकार्पण होगा। हमने ऐसी प्रथा बनाई, बाड़ों में पहुंचना हमारा दायित्व तो है, क्योंकि रीवा की जनता ने विश्वास के साथ हमें चुना है कि हमारा निर्माण कार्य होगा। आज हम वार्ड नंबर 26 में गए थे, हीरा नगर में, बड़ी बुरी स्थिति है, मतलब हम आपको उस स्थिति को बयान नहीं कर सकते, इतना कष्ट हुआ मेरे को। क्या यही रीवा है? इसी को महानगर कहते हैं? रीवा विधायक अपने लंबे चौड़े भाषण में बोलते हैं कि रीवा की जनता को हमने शुद्ध पीने का पानी दे दिया, मीठा पानी दे दिया, मीठा पानी झूठा पानी हो गया। 199 करोड़ की हम लोगों ने आते ही पानी की योजना बनवाई है, रीवा में 600 किलोमीटर पाइपलाइन पड़ेगी सप्लाई की, 18 टंकियाँ बनेंगी, 2 फिल्टर प्लांट बनेंगे, 2 इनिकेट बनेंगे, जो गंदा पानी जा रहा है जहाँ वहाँ 60 किलोमीटर पाइपलाइन चेंज करेंगे, 60 किलोमीटर राइजिंग मेन हम चेंज कराएंगे, डलवाएंगे। हमने ऐसी योजना बनाई है कि 2035 तक, मतलब योजना तो 2055 तक की है, पर 2035 तक रीवा के आदमी को पानी के लिए ना भटकना पड़े। ये माना जाए कि जो अपन लोग दिखाते रहे कठपुतली महापौर काम करते थे, उसका ही परिणाम है कि आज इतना विकास की बात करने वाले, इतना खर्च करने के बाद भी आज भी हम उसके आज 20 साल पहले ही पड़े हुए हैं, चाहे सड़क के रूप में हो, सफाई के रूप में भी आज भी जैसे समस्याएँ आती हैं। तो इसके निराकरण के लिए निश्चित तौर पर रीवा नगर निगम जो है, तो रीवा नगर निगम मतलब कि राजन शुक्ला पूर्व विधायक पूर्व मंत्री माने जाते थे, तो निश्चित है कि अजय मिश्रा बाबा और राजन शुक्ला अब सीधे सामने सामने हैं विकास के लिए, क्या योजनाएं हैं? देखिए सरकार उनकी है, फंड की दिक्कत हो रही है, हम सेल्फ फाइनेंस पे
स्कीम ले आ रहे हैं, हमारे जो ज़मीनें पड़ी हैं हम उसको बेचेंगे नहीं, उसको हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, हम स्वयं उसका निर्माण करेंगे, सस्ती दर पे, रियायत दर पे, आरक्षण के साथ जो मापदंड होता है उसके अनुसार लोगों को दुकानें उपलब्ध कराएंगे, उससे जो पैसा आएगा वो रीवा के विकास में लगाएंगे। आपने पहले ही कह दिया कि संतरिया का विकास हो चाहे वो फ्लाईओवर का विकास हो, ये विकास नहीं है, जनता की मूलभूत आवश्यकताएं अलग है। तो फिर अब विकास तो रीवा का यही दिख रहा है, रीवा का विकास चाहे भाजपा बताए चाहे राजन शुक्ला जी बताए, कोई बताए तो विकास तो यही बताते हैं कि फ्लाईओवर दो बन गए, माल बन गया, लेकिन आज वास्तविक दुकानदार किसको दुकान मिल पा रही है, बेरोजगारों कितना रोजगार, वो तो दूर है। तो इसके लिए फिर अब किस तरह से आप लड़ेंगे? हम सेल्फ फाइनेंस पे जो दुकानें बनाएंगे उसमें जो नियम है कि जो सरकारी भूमि की लागत, आपका सुपरविजन चार्ज, आप 15% नगर निगम का प्रॉफिट, ये सब लेकर जो 25-30% होता है हम उस दुकान को उतनी कीमत में बेच देंगे। तो वो आप ये सोचिए, वो हमारा मान लीजिए एक दुकान की कीमत सरकारी भूमि और ये सब 30% मिलाकर अगर होती है 70 लाख, तो जो शोरूम बाज़ार में 2.5 करोड़ का बिक रहा है वो रीवा शहर के मार्केट में 70 लाख से उसकी बोली चालू होगी। ओपन टेंडर रहेगा, जितना ऊपर जिसको डालना हो डाले, फिर उसके बाद उसमें जो आरक्षण का मापदंड है वो रखा जाएगा, विधवा का आरक्षण होता है उसमें, उसमें ST/ST वर्ग का आरक्षण होता है, वो सारे मापदंडों का पालन करेंगे। हर व्यक्ति को रोजगार की कोशिश अपनी कि ऐसे जो युवा हैं अगर सस्ती दुकानें मिलेंगी तो रोजगार करेंगे, नशा की प्रवृत्ति से भटकेंगे। जब ये विकास आप इस तरफ ले जाएंगे तो जो पूर्ण विकास हुआ है, जिनको लाभ मिल रहा था, वो कैसे सफल होने देंगे? प्रदेश में सरकार उनकी है। देखिए, हमारा काम है कि हम अपने को से प्रयासरत करें, प्रयासरत रहें। ईश्वर साथ देता है सही का, जनता साथ देती है सही का। जनता तो दी है साथ। जनता ने साथ दिया है, तो जनता का विश्वास हम अर्जित करने के लिए लगातार लगे रहेंगे। जितनी मेहनत हमसे हो सकेगी हम लोगों के पास जाएंगे। अगर हमारे विकास में लोगों ने अवरुद्धता पैदा की तो रीवा की जनता के पास जाकर एक जन आंदोलन करेंगे इस सरकार के खिलाफ। 3 माह हुए हैं अभी, 3 माह में ये हाल है कि अभी आपने एक बात उठी थी, मीडिया में आई कि अजय मिश्रा बाबा जी हेलमेट योजना को सफल बनाने के लिए कुछ हेलमेटों का वितरण करेंगे, आम लोगों को देंगे, पत्रकारों को देंगे। जैसे सूचना मिली रीवा विधायक राजन शुक्ला जी को फाड़ का आनंद फानंद बुलाया अपने कार्यकर्ताओं को और बांट दिया। बात ये हेलमेट बांटने की नहीं है, बात यह है कि जो योजना अजय मिश्रा करना चाहते हैं हम उसको करना चाहते हैं। आप 15 साल 20 वर्षों में जो नहीं किया, आप उसकी तरफ नज़र डाल रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो डर तो है, ये मानते हैं ना? देखिए, डर उनको है या नहीं है ये वो जाने, हमको उससे मतलब नहीं। हम तो जो चुरा रहे हैं, तो जो हम, हमारा ये सोचना था कि पत्रकार रामानंद जो विराट 24 के हैं, लोगो लेकर मोटरसाइकिल से निकले, पुलिस चेकिंग कर रही हेलमेट वाले की, रामानंद को देखा तो छोड़ दिया, तो जब आपको छोड़ दिया तो पुलिस वालों से वो लड़ने लगे और अनाप शनाप बोलने लगे। तो हमने ये सोचा कि पत्रकार हमारे जागरूक लोग हैं, अगर हम पत्रकारों को जब हेलमेट देंगे और जब उनको हेलमेट बांटेंगे वो लगा कर जाएंगे तो पब्लिक में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सारे हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो भी हेलमेट लगाते हैं। तो जो पुलिस वाले होंगे वो बताएंगे, देखो वो चले जा रहे हैं पत्रकार, वो हेलमेट लगाए हुए हैं। हम जन जागरण करने के लिए ये हेलमेट का वितरण कर रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा जीवन सुरक्षित है, आपका भी तो जीवन सुरक्षित होना चाहिए। आप 24 घंटा चौथे स्तंभ हैं, जो शहर में मोटरसाइकिल लेकर घूमते रहते हैं, तमाम तरह के आपके ऊपर आपदाएं आती रहती हैं, किसी का आपने निकाल दिया तो वो हमला करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये सब समस्याओं को हम भी लोग देखते हैं। तो अगर हमने आपके लिए हेलमेट मंगाया है, 400-500 का हेलमेट दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सक्षम हैं, पर ये एक प्रतीक है कि महापौर ने पत्रकारों को हेलमेट दिया और एक जन जागरण पैदा होगा, उससे पब्लिक में एक मैसेज जाएगा कि महापौर ने पत्रकारों को दिया, पत्रकार हेलमेट लगाकर जा रहे हैं। अपनी जान की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। आप घर से निकलते हैं, आपके घर वाले आपका इंतज़ार करते रहते हैं, आप कब लौटेंगे। रीवा की आम जनता से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि सभी लोग हेलमेट लगाएँ, क्योंकि आप जब घर से निकलते हैं तो आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपकी पत्नी, आपकी माँ आपका इंतज़ार करती रहती है कि आप घर सुरक्षित लौटें, और आपके जीवन का
जीवन इतना मूल्य है कि आपका परिवार, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपका परिवार ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरा आप लोगों से बिना अनुरोध है कि आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं। 2023 में चुनाव है विधानसभा के, अभी आपके एक साल चुनाव के पहले तक कार्यकाल है, कार्य करेंगे इसके पहले, अभी तो मौका है 5 साल, तो इस बीच में क्या लगता है जिस तरह से जनता ने आपको आपके मुद्दों पर चुना है उसका फ़ायदा कितना मिल पाएगा, कितना? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा जीतेगी, ये हम आपको एकदम परफेक्ट बता दें। इस बार कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रीवा से बनेंगे। कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए हम, हमारे कांग्रेस के पार्षद साथी, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी पूरी तन्मयता के साथ कार्य करेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। जो कलंक लगा है हमारे माथे में कि हम 8 सीट हार गए हैं, कि रीवा की जनता का आशीर्वाद इस बार ऐसा मिलेगा कि रीवा कांग्रेस 8 सीट जीतेगी। तो बाबा अजय मिश्रा बाबा जी, निश्चित तौर पर अगर विकास पुराने ढंग पर होगा तो विकास के नाम पर ठगी करने वाले, लूट करने वालों के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। शायद यही डर भी है, यही डर भी है जो अजय मिश्रा बाबा के जीतने के बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को, भारतीय जनता पार्टी को है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 महीने में जो सुर्खियां मिली हैं, जिस तरह से कार्य हुए हैं, आगे भी जारी रहते हैं और व्यवधान उत्पन्न होते हैं। रामानंद पांडे। तो देखा आपने, विकास के नाम पर फ्लाईओवर, निजी बिल्डर के द्वारा बनाई गई दुकानें, कॉम्प्लेक्स से जनता का और जिले का विकास नहीं हो रहा, लोगों को चाहिए रोजगार, भ्रष्टाचार से मुक्ति। अब नगर निगम की जमीनों पर नगर निगम स्वयं दुकानें और कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिससे जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा। आपको बता दें कि अपने 3 माह के ही कार्यकाल में महापौर अजय मिश्रा बाबा ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जो भी कार्य होंगे, नगर निगम से जो भी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी वो जन जन तक पहुंचेंगी। अपने आसपास की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।